नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना जो सेकंड ट्राइमेस्टर का योगा सेशन चल रहा था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ के लिए, उसमें अपन आगे का सेशन चलाएंगे। जो कुछ अपने आगे के योगा पोज रह गए थे, पार्ट टू भाग दो चलाएंगे। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वार्म अप करेंगे। वार्म अप आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको नेक का रोटेट करना है, नेक को रोटेट करना है। नेक रोटेशन कैसे करना है, पांच पांच बार उल्टी साइड में, पांच बार सीधी साइड में, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। चलिए करें, धीरे धीरे आराम आराम से करना है। बिल्कुल आप ज़्यादा टाइम करना चाहें तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। फिर दूसरा अपना है, वो है हाथों का रोटेशन करेंगे अपन। गोला बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा बनाएंगे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे। आप इसे ऐसे राउंड करेंगे तो आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, इसलिए आपको पाँच बार एक साइड में लेना है, पाँच बार आपको दूसरी साइड में लेना है। अब आपको चेयर के इस साइड से बैठ जाना है ऐसे, और बैक को स्ट्रेच करना है पीछे की साइड को। तो किस कैसे करेंगे, पहले आप यूँ करेंगे जो अपन ने पिछले वाले सेशन में भी किया था, इस तरीके से करके सांस भरते हुए ऊपर करेंगे। आपके लेग हैं वो बिल्कुल ओपन और सीधे होने चाहिए, पैर बिल्कुल घुटने एकदम स्ट्रेट। हाँ, छोड़ते हुए वापस आएंगे। दूसरा और करना है ऐसे ही, बैक स्ट्रेचिंग इस तरीके से। आपसे हो तो आप कर लेना, अदरवाइज वैसे हो तो वैसे कर लेना, जैसे आपको इजी लगे। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो या दोनों कर सकते हो। तरीके से रखेंगे, एटलीस्ट आपको 2 फीट की दूरी लेनी है इस तरीके से, और आपको हाथों को यूं करना है। अगर आपको गैप कम लगे तो आप वापस से पीछे की तरफ खिसक जाएं। आपको यूं कर पूरा झुकना है, और आपका जो हेड है वो दोनों हाथों के बीच में सीधा होना चाहिए, आपके पैरों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, और ऐसे बिल्कुल यूं होना है। ये आपके बैक स्पाइन, प्रेगनेंसी में टम्मी आगे होने की वजह से स्पाइन में दर्द होता है बैक में, तो उसके बैक पेन के रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड तक आप इसको पोजीशन को ऐसे ही होल्ड करें। अगर नहीं हो पाती है तो आप ऐसे पोजीशन बना के वापस भी खड़ी हो सकते हो, और इसको फिर धीरे धीरे ब्रीथिंग करते रहें। नज़रें बिल्कुल सीधी रखें नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे आप उठें और पोजीशन से इस तरीके से बाहर आएं ऐसे पास में। फिर आपको अपन ने आगे की तरफ चुके थे, स्ट्रेचिंग की थी, अब अपन क्या करेंगे, ऐसे ही बैक स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर वापस से ऐसे ही एक बार और करेंगे, और इस तरीके से आपको साइकिल वॉक करना है इसमें।
जिससे आपके पैरों को, आपकी थाइज की मांसपेशियों को, आपकी स्पाइन को, सबको मजबूती मिलती है। और इस तरीके से आसन से बाहर आएं और फिर वापस से वैसे ही बैक स्ट्रेचिंग करनी है सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। तो पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, लाइक करना है। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना पोज है वो वज्रासन में बैठेंगे, इसको परिघासन पोज बोलते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बैठने के बाद में आपको घुटनों के बल यूं होना है। फिर इसके बाद में आपको, आप प्रेगनेंसी के दौर से, आपका टम्मी आगे भी हो सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से आराम आराम से करना है। आपके दोनों हाथों को यहाँ टिकाना है। एक पैर है, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। एक पैर को आप आगे निकालें यूँ और इस तरीके से सीधा करें। फिर इसके बाद में इस हाथ को आपको यूँ इसके कंधे के बराबर लाना है और आगे की तरफ नहीं झुकना है, बिल्कुल पीछे की तरफ होने चाहिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करें। 5 सेकंड तक पोजीशन को होल्ड करना है, सांस नहीं रोकना है आपको बिल्कुल भी। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस लाएं हाथ को और उसी तरीके से आपको आना है। अपने हाथ को आगे रखना है दोनों को और पैर को वापस उसी वज्रासन की घुटनों के बल की पोजीशन में लाना है। फिर आपको क्या करना है, इसी तरीके से रहें। वापस से आपको इस तरीके से दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे आपको पैर को बिल्कुल बाहर निकालना है। ये हाथ आपको कंधे के बराबर लाना है बिल्कुल। और आपका जो वेट है वो इस पोजीशन में, इस लेग पे, यहाँ पे और इस पे और हाथ पे होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करें बिल्कुल सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे करें। आराम आराम से ऐसे ही हाथ को आगे करें और इस तरीके से आप लेग को वापस करें। प्रेगनेंसी में पोजीशन को बनाना अपन बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन से वापस बाहर आते हैं पोज से, तो आपको झटके से बाहर नहीं आना है। बहुत ही सॉफ्टली और हाथ वाथ का सपोर्ट करके, हाथ का, पैर का, और फिर आना है। इस तरीके से नहीं आना। अगला अपना पोज है वो भी वज्रासन में बैठना है। मैं आपको वापस रोटेट होके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। इस तरीके से बैठना है और ये अपना हाथ है, इधर वाला हाथ इधर वाले पैर के टोज को पकड़ेगा, इधर वाला हाथ इधर वाले पैर पे होगा। इस तरीके से करना आपको। ये हाथ आपको इधर वाले पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ये हाथ आपको इधर वाले पैर पे होना। फिर आप जिधर अपना हाथ है उसी साइड में आपको मुड़ना है। 5 सेकंड होल्ड करें, आराम से सांस भरें, सांस छोड़ें। ऐसे ही अपने दूसरी साइड से करना है। ये हाथ आपको इधर वाले पैर के अंगूठी को पकड़ना है, ये हाथ आपको दूसरी साइड के पैर पे रखना है और इधर रोटेट करना है। 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। अगला अपना पोज है वो है, इसी तरीके से आपको वज्रासन में बैठे रहना है। और ऐसे नॉर्मली वज्रासन में अपन इतना गैप नहीं देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा गैप देना है, गैप देख करके। और आपको हाथों को धीरे धीरे यूं आगे लेके जाना है इस तरीके से। आप टम्मी की वजह से ज़्यादा नीचे नहीं झुक सकते, तो जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं उतना झुके। और अगर नहीं भी कर सकते हैं ये पोज तो आप बिल्कुल ना करें, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके से लें।
आराम आराम से ब्रीदिंग करें। इस तरीके से हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएं, 5 सेकंड होल्ड करें। पोजीशन से आपको इसी तरीके से जैसे गए थे हाथ को ऐसे लेते हुए वापस आना है। अगला अपना पोज है वो है मालासन। मालासन में आपको मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑल 9 मंथ ये अच्छा होता है, पूरे 9 महीने कर सकते हो आप। पुराने ज़माने में जैसे लेडीज़ थी वो इस तरीके से बैठ के काम करती थी। अपन इस तरीके से बैठेंगे, पैर को यूं करेंगे, अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा नीचे सपोर्ट लेंगे, बताया हुआ है मेरा पहले से। आपको नमस्ते पोज करना, हाथों से पैरों को यूं धकेलना है और इस तरीके से नमस्ते पोज करें। नॉर्मल सांस भरते रहें। पहले के टाइम में अपन देखते थे कि महिलाएं कुकिंग से लेकर सारा काम झाड़ू वाड़ू सब बैठे बैठे इस तरीके से करते थे और वो बहुत हेल्दी रहते थे, स्वस्थ रहते थे। इस तरीके से फिर डक वॉक करना है। अगर आपके हाथ नीचे नहीं आ रहे हैं तो यहाँ कोई ब्लॉक या फिर कोई ऐसा कोई सामान या रख के जिसपे हाथ यहाँ तक सपोर्ट हो, और फिर इस तरीके से आपको डक वॉक करना है इस तरीके से। यह आपके थाइज की मजबूती के लिए, पैल्विक एरिया और स्पाइन के लिए। ऐसे झुकना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्पाइन को, और इस तरीके से आपको इतनी ऊंची तक कोई सामान रख के उस पर हाथ रख के और फिर करना है, ब्लॉक हो, ईंटे हो या कोई ऐसी छोटी स्टूल हो, इस तरीके से। अगला अपना पोज है ऐसे लेग्स को ओपन करेंगे, चक्की चलानासन। चक्की चलानासन नाम से ही समझ गए हैं आप लोग, पुराने ज़माने में औरतें चक्की चलाती थी और वो इनका वो एरिया वो ये पोजीशन थी, ये पोर्शन था, वो बहुत मजबूत रहते थे, पीसते थे पहले चक्की से। तो इसी तरीके का अपना आसन है, इसी तरीके पीसने के जैसे ही अपन करेंगे, लेकिन आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, जितना नहीं झुक सकते हैं कोई बात नहीं, आपका जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक जाए। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, आपको स्पाइन के बल पे नहीं बैठना है, आपकी जो हिप की बोन है उसके वेट पे ही बैठना है, उसी पे वेट डालना है पूरा। बिल्कुल सीधी रखेंगे, हाथों को यूं करेंगे, सांस भरते हुए आगे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ आएंगे। आराम आराम से करेंगे, 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से। ऐसे आसन जो अपना अपन ने बताया था अभी, मालासन, डक वॉक और ये जो चक्की चलानासन है, इससे बच्चे का मोमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। और सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको अगर डॉक्टर की एडवाइस से सब कुछ सही है तो आप एडवाइस लेके कर सकते हैं। आज का अपना भाग 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर का यही समाप्त होता है। अगले सेशन में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।